वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिसऑर्डर डिसऑर्डर उस, उसकी कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये एक ईजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज एक्चुअली रिफर्स टू अ पैटर्न ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड डीपली इन्ग्रेन्ट बिहेवियर्स थाट्स एंड इमोशन दैट डेविएट सिग्नीफिकेंटली फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली रिफर कर रहा होता है किसी ऐसे थाट्स किसी ऐसे इमोशन से यानी कि एक पर्सन जो है वो अपने आप को डविएट कर रहा है अपने आप को अवॉइड कर रहे लोगों से सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लोगों के साथ इंटरैक्शन नहीं करना चाहता मे उसको अपनी पर्सनैलिटी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है उसको सेल्फ इमेज का टेंशन है या वो उसको ये है कि मेरे रिलेशनशिप खराब होंगे लोगों के साथ या लोग मुझे जज करेंगे या मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तो उसकी पर्सनालिटी ट्रेड्स में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो फियर लेके बैठा हुआ है और वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसे बॉर्डर लैंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो प्रॉपरली लोगों के साथ बिहेव नहीं कर पा रहा होता या उसकी सेल्फ इमेज या उसके कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में इस तरह के हो होते हैं और मेन चीज़ यहाँ पे होती है इमोशनल स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं यानी कि आगे इमोशन एक पर्सन सडनली बहुत हैप्पी है हैप्पीनेस फील कर रहा है और एकदम से वो सैडनेस की तरफ आ गया और एक्सट्रीम लेवल पर सैडनेस में चला गया और होपलेस सनेस की फीलिंग आ गई उसमें तो ये बॉर्डर लैंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी इमोशनल स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपकी अपनी लाइफ में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं या आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हो या फिर आप अपनी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं जिसकी वजह से आपका ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है बेसिकली इसमें ये होता है कि आप जो हैं लोगों के लिए एम्पति फ़ील करना छोड़ देते हैं ठीक है आप लोगों को आ, डिसीव कर रहे होते हैं उनको मैन्युपुलेट कर रहे होते हैं ये बेसिकली डिस डिसीडफुल बिहेवियर होता है कि आप लोगों के अंदर आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप लोगों को मैन्यूपुलेट करके उनसे उनका फ़ायदा उठा सकें ठीक है लेट्स फोर्स के एक पर्सन है ही इज़ वेरी इन्वॉल्व इन समन और उसका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और वो उसको बहुत ज़्यादा मेनुपुलेट करके बेसिकली वो उसको मेन्यूपुलेट क्यों कर रहा है अपने रोमांटिक पार्टनर को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कोई उससे गेन चाहिए उसको कोई चीज़ चाहिए जैसे उसको मे बी किसी मनी ही नीड है वो उससे पैसे निकलवाना चाह रहा है या फिर वो उसको इ लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाह रहा है तो इस वजह से वो उसको मैन्यूपुलेट करके उस तरफ ले कर आएगा थर्ड टाइप है हमारी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें क्या होता है कि जी बेसिकली ये सोशल एंजाइटी या फियर ऑफ़ रिजेक्शन या इस तरह की स्ट्रॉग डिज़ायर्स तो होती हैं यानी कि आप लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आप कोई ऐसा इवेंट ही अटेंड नहीं कर रहे उसको रिजेक्ट कर रहे हो वाई बिकॉज यू हैव योर ओन फीयर्स कि अगर मैं उस सोशल गैदरिंग में गया तो मे बी लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें मे बी दे विल जज मी दे विल क्रिटिसाइज़ मी दे विल मेक फन ऑफ़ मी इस वजह से आप इन चीज़ों से अवॉइड कर रहे हो आप ऐसी कोई गैदरिंग को कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो ये चीज़ बेसिकली अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आती है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और उसकी कुछ टाइप ही इजी सी अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड